तो आज की इस वीडियो में हम आज़ाद पॉलिटेक्निक भर्तीपुर पलना आजमगढ़ का फुल एनालिसिस करेंगे और उसका वीडियो दिखाएंगे। कॉलेज के सबसे ऊपरी फ्लोर पर हम लोग फाइल ले आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि नीचे का दृश्य किस प्रकार दिखाई दिखाता है। ये देखिए ऊपर का, ऊपर से हम लोग ले रहे हैं कैमरा। ये देखिए आज़ाद पॉलिटेक्निक भर्तीपुर और डी फार्मा कॉलेज भी है और देखिए नीचे बच्चे हैं और ये मेन दृश्य है। थोड़ा सा जूम करके ऊपर ऊपर दिखाइए, थोड़ा सा हॉस्टल ये वाले वाला सामने वाला हॉस्टल दिखाइए। ये देखिए मेन रोड है, मेन रोड पर ही कॉलेज है और यहाँ का देखिए नया हॉस्टल है। यहाँ पे बच्चे प्राइवेट में रहते हैं और मेडिकल कॉलेज भी इसी में खुला हुआ है। बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग चल के आगे दिखा रहे हैं कि और आगे देखने पे नज़ारा किस प्रकार दिखाई देता है। आज़ाद पॉलिटेक्निक भर्तीपुर काफ़ी जाना माने काल कॉलेज है लेकिन यह प्राइवेट कॉलेज है, तो बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे कि भाई यहाँ की फ़ीस कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के एक साल का फ़ीस 30,000 रुपये है और 3 साल का कोर्स है। और यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचें हैं, 5-6 ब्रांचें हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी चलता है, इंटर कॉलेज भी चलता है। तो मैं मेडिकल कॉलेज का क्लास दिखा रहा हूँ। देखिए आज़ाद फार्मेसी कॉलेज, ये देखिए जूम करके, आज़ाद फार्मेसी कॉलेज है भर्तीपुर में जो पढ़ता है। और उसके बगल में पीछे थोड़ा इंटर कॉलेज का भी दृश्य दिखाइए जूम करके ऊपर से। सबसे पीछे इंटर कॉलेज तो दिखाई नहीं दे रहा है और वही इंटर कॉलेज है। चारों एरिया दिखा दीजिए, सब एरिया घुमा के दिखा दीजिए इनके यहाँ से। ग्राउंड है, ये यहाँ का ग्राउंड है और यहाँ के देखिए रोड है, बच्चे सब जा रहे हैं। 5 मंजिला की ये बिल्डिंग है आज़ाद पॉलिटेक्निक भर्तीपुर। बच्चे देखिए यहाँ पर हैं, काफ़ी अच्छा स्कूल है। और आगे दिखा दीजिए यहाँ का, ये देखिए आगे का सीन है। वहाँ से मेन गेट दिखाइए, मेन गेट से देखिए बच्चे सब आ रहे हैं। मेन गेट घूम करके दिखाइए, यहाँ आप देखिए यही मेन गेट है, यहाँ से बच्चे धीरे धीरे एंट्री करते हैं। देखिए वहाँ पे मेन गेट से कोई स्कूटी वाला जा रहा है और मेन गेट है। और देखिए नीचे की तरफ सब बच्चे आ रहे हैं, देखिए यहाँ से दृश्य। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ की व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है। देखिए बच्चे सब एडमिट कार्ड लेने आए हैं, 25 तारीख को उनका एग्ज़ाम है। तो काफ़ी कुछ अच्छा माहौल यहाँ का रहता है आज़ाद पॉलिटेक्निक। और एक देखिए ये आज़ाद पॉलिटेक्निक भर्तीपुर का प्राइवेट हॉस्टल है और यहाँ पे हमें शायद कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं लेकिन मैं बता सकता हूँ कि 3,000 से 4,000 रुपये के बीच में यहाँ का हॉस्टल चार्ज है, जिसमें आपको भोजन भी दिया जाएगा, रहने के लिए व्यवस्था, 24 घंटा बिजली की व्यवस्था दी जाएगी। तो आप पूरा घुमा के दिखा दीजिए कि यहाँ का माहौल किस प्रकार है, पूरा हॉस्टल कैसा है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे पढ़ने आते हैं और उधर सीधे पलना गाँव पड़ता है, पलना बाज़ार पड़ता है। पलना बाज़ार से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज पड़ता है। देखिए हॉस्टल का नज़ारा कुछ इस प्रकार, काफ़ी मेंटेनेंस दिखाई दे रहा है हॉस्टल का। जूम करके भी दिखा दीजिए रूम का थोड़ा से, देखिए कुछ इस प्रकार है। मेन रोड पर एक कॉलेज के बगल में ही हॉस्टल है। ठीक है तो फाइनली हम ऊपर का नज़ारा दिखा दिए, अब नीचे चल के दिखाते हैं कि यहाँ के क्लासेस कैसे हैं, यहाँ की मेंटेनेंस कैसा है। हम लोग एक फ्लोर के नीचे आ चुके हैं, थोड़ा सा नज़दीक से जूम करके दिखाइए पूरा एरिया कैसा है इधर का, जूम करके दिखाइए थोड़ा सा, थोड़ा जूम करिए। तो चलिए आइए, ये देखिए हमारी पुरानी यादें हैं। हम लोगों के इंटर कॉलेज, हम लोग यहीं से 9 से लेकर कक्षा 12 तक यहीं पर पढ़े हैं। काफ़ी यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पुराने यादें और हमारे दोस्त भी आए हैं यहाँ पे कॉलेज में। ये यहाँ पर इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा सब चलता है। यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ से ग्राउंड देख लीजिए, चारों तरफ दिखा दीजिए, पॉलिटेक्निक का ग्राउंड है, डी फार्मा ग्राउंड है। और हम लोगों का मैदान भी काफ़ी बड़ा था, यहाँ पर खेलने में भी काफ़ी मज़ा आता था। क्लासेस भी कुछ अच्छी यहाँ पर चलती हैं, टीचर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा कॉलेज ये माना जा, आजमगढ़ का माना जाने वाला कॉलेज है। थोड़ा जूम करके पूरा ग्राउंड दिखा दीजिए, बाहर देखिए एकदम रोड के बगल में एकदम हाईवे पर ही ये कॉलेज है। यहाँ पे देख लीजिए व्यवस्थाएं, अभी तो
कॉलेज खुला नहीं है अभी, तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा तो यहाँ के मेंटेनेंस और व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो इस वर्तमान में देख लीजिए कि कैसा नज़ारा है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं यही हम लोगों का इंटर कॉलेज है। और देख लीजिए जैसा कि हमारा क्लास है, यहीं पर हम लोग पढ़ते थे। काफ़ी अच्छा अनुभव हम लोगों के यहाँ पर रहा है।